जिन दिनों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के स्थगन की घोषणा नहीं हुई थी तभी बीसीसीआई ने तमाम फ्रेंचाइजी ओनर्स को बता दिया था अपनी मंशा से अवगत करा दिया था कि वो अपने खिलाड़ियों को तैयारी कराना शुरू कर दें और वो इस आईपीएल की तैयारी कर लें क्योंकि आईपीएल जो है इस बार यू में आयोजित किया जाएगा उसी के तहत खिलाड़ी जो है उतरे और उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी और अब जो है चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में हमें खबर मिली है जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम है और तीन बार खिताब जीत जीत चुकी है वो अगले दो दिन में या अग, अगले महीने के शुरू में एक कैंप लगा सकती है और कैंप लगाने लगाना भी बहुत मुमकिन है कि वो यूएई में लगाया जाए हो सकता है कि यूएई में लगाया जाए इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है और इतना ही नहीं दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है श्रेय सैद जिसके कप्तान हैं वो भी अगले कुछ दिनों में कैंप लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम जो भारतीय खिलाड़ी हैं आई की टीम में उनका कैंप लगा दिया जाए तो अब जाहिर सी बात है कि अब और जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं वो भी पीछे नहीं हैं और वो चाहती हैं कि कैंप बेशक भारत में ही लगे लेकिन किसी रिमोट एरिया में लगे जहां पर आ, कोई कोरोना 19 के केसेस जो हैं ना हो या बहुत कम हो ऐसी जगह पर नॉर्थ ईस्ट इसके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है और बहुत मुमकिन है रिमोट एरियाज में वो जल्दी से जल्दी कैंपों के आयोजन का ऐलान कर दें तो संभव है कि अब सबने कमर कस ली है क्योंकि तारीख बहुत नज़दीक आने वाली है उन्नीस सितंबर आई का आयोजन होगा और जो विदेशी खिलाड़ी हैं जो हमें पता चला है अपने सूत्रों के हवाले से वो सीधा यू में जुड़ेंगे अपनी अपनी टीमों के साथ आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के मामले में क्या सभी खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी हैं क्या खुद तैयार होकर आएंगे क्या दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को वीज़ा मिल पाएगा क्या उनके यहाँ जो एयरलाइंस की जो रोक लगी हुई है उस सब से उन्हें निजात मिलेगा क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी पूरी तरह से इस लीग से बिल्कुल बाहर रहेंगे ये सब कुछ सवाल हैं अनुतरित सवाल हैं जिनका हल अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें